हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीनास किचन। लीनास किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल डियर सब्सक्राइबर्स। आज हम देखेंगे तिल की गजक बनाना। संक्रांति के लिए तिल की गजक बहुत ही बढ़िया ऐसी रेसिपी है। आप भी ऐसी गजक जरूर बना के देखिए। हालांकि तिल की गजक बनाना थोड़ी हार्ड रहता है, पर अगर मेरे दिए हुए टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो इजीली आपकी गजक बन जाएगी। इजीली गजक बनाने के लिए वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब करिए और न्यू रेसिपी पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं तिल की गजक बनाना। तिल की गजक बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बाउल तिल, 1 बाउल गुड़, 1/4 बाउल वाटर हमने लिया है और 1 टीस्पून घी लेंगे। पहले हम तिल अच्छे से भून लेंगे। हमने स्टील का पैन लिया है, उसमें हम तिल भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमें तिल भून लेनी है। कच्चापन निकल जाए तब तक हम इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अच्छे से रोस्ट होने के बाद इसे चटकने की आवाज आती है। तिल अच्छे से रोस्ट हो गई है, गोल्डन ब्राउन से कलर इसको आ गया है। अभी हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। ठंडी हो रही है तब तक हम आगे की तैयारी कर लेंगे। मैंने एक प्लास्टिक का कागज लिया है, उस पर हम घी स्प्रेड कर देंगे। इस तरह प्लास्टिक के कागज पे घी स्प्रेड कर देना है। एक बेलन हमें लेना है, उस पे भी हमें घी ग्रीसिंग कर लेना है। इस तरह हम बेलन पे भी घी लगा देंगे। तिल पूरी तरह ठंडे हो गए हैं। अभी हम इसे मिक्सी में दरदरा से पीस लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि जो मिक्सी का बर्तन है वो भी पूरा ड्राई रहे और तिल जो है पूरी तरह ठंडे रहे। हमें तिल ज़्यादा टाइम तक मिक्सी में घुमाने नहीं है, सिर्फ 10 सेकंड के लिए 2 टाइम हम चला लेंगे। आप देख सकते हैं हमने तिल ज़्यादा बारीक फाइन ऐसी पेस्ट नहीं की है, कुछ तिल उसमें अखे दिख रहे हैं। इसी तरह दरदरा हमें तिल को पीस लेना है। हमने स्टील का पैन लिया है, फ्लेम हमने ऑन कर दिए है। अभी हम इसमें 1 बाउल गुड़ ऐड करेंगे। ये गुड़ थोड़ा चिक्की जैसे चाहिए कि इजीली हमारी गजक बन जाए। गुड़ को हमने अच्छे से क्रश कर लिया है। इसमें हम 1/4 बाउल पानी ऐड करेंगे। अच्छे से मेल्ट हो जाए तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। इसे अच्छे से चलाते जाएंगे। गुड़ में जो भी स्टोन है उसको अच्छे से प्रेस करके पूरे मेल्ट होने तक हम इसे चलाते जाएंगे। गुड़ पूरी तरह मेल्ट हो गया है। अभी हम इसमें 1 टीस्पून घी ऐड करेंगे। घी डालने से गजक को बढ़िया ऐसी चमक आती है। गुड़ में बबल्स आ रहे हैं, अभी हम इसको थोड़ा चेक कर लेंगे। पानी में थोड़ा हमने 1 बाउल में पानी लिया है, उसमें हम गुड़ डाल के देखेंगे। गुड़ का जो पाक बना है उसको डाल के देखेंगे। अभी थोड़ा टाइम है और हमें उसे पका लेना है। 2 मिनट हमने और पका लिया है। अभी हम चेक कर लेते हैं, प्लेट में पानी लिया है उसमें थोड़ा पाक डाल देंगे। बढ़िया ऐसे पाक बन के रेडी है। इस तरह हमारा गुड़ अच्छे से पाक हो गया है। अभी हम इसमें तिल की जो पेस्ट बने हैं वो ऐड करेंगे। इसे हम 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे।
कढ़ाई से छूट रहा है, मतलब अच्छे से कुक हो गया है। अभी हम इसे, हमने जो प्लास्टिक के कागज पे घी लगाया उस पर निकाल लेंगे। लगा हुआ सभी हम इसमें निकाल देंगे। आगे की प्रोसेस हमें थोड़ी फास्ट करनी है, इसे हम कागज पे अच्छे से ऑल साइड से इस तरह दबा देंगे। ऐसा करने से एकदम क्रिस्पी हमारी गजक बन जाती है। बेलन से हम इसे धीरे धीरे बेल लेंगे। हमें ये ज्यादा पतला नहीं बेलना है। इसे बेल लिया है, अब ये थोड़ी सॉफ्ट और गरम है। जब तक ये गरम है तभी हमें इसके पीसेस कर लेने हैं। आपके मन पसंद शेप में आप इसे कट कर सकते हैं। एकदम सॉफ्ट ऐसी गजक बनेगी। बढ़िया ऐसी गजक बन के रेडी है। मैं साइड से एक आपको निकाल के दिखाती हूँ। एकदम सॉफ्ट ऐसी गजक बन गई है, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली, बढ़िया ऐसी हमारी गजक बन गई है। बढ़िया ऐसी तिल की गजक बन के रेडी है। आप भी ऐसे गजक जरूर बनाइए, घर के सभी सदस्यों को खिलाइए, उनकी सेहत का ख्याल रखिए, उनको खुश कीजिए। तिल में बहुत मात्रा में कैल्शियम रहता है और गुड़ में आयरन रहता है, तो सेहत के लिए भी ये बहुत ही पौष्टिक ऐसी गजक है। मेरा ये वीडियो अगर आपने एंजॉय किया है तो लाइक करना ना भूलिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप न्यू हो तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड न्यू रेसिपीज पाने के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।